Is everyone dead? Ji janab. Koi bhi zinda bachne nahi chahiye. These pigs deserve to die. Make sure everyone is dead. इन सैकड़ों मुर्दा लाशों के बीच मुझे एक जिंदा दिल चीख सुनाई. मैंने जब उसे अपनी गोद में उठाया, मैं अपने ही नजरों में इस कदर गिर चुका था कि शर्मिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी. मैं इस नन्ही सी जान को अपनी गलतियों की सजा नहीं दे सकता. अब मैं इसे एक नई जिंदगी दूंगा. उसी के साथ साथ उसके सवाल भी अब बढ़ गए. इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम. पापा चलो ना पापा, हम भी लाल किले पर चलते हैं. सब जा रहे हैं. नहीं बेटा, वहाँ जाना ठीक नहीं होगा. पर क्यों पापा, सभी तो इकट्ठा होने वाले हैं. ऐसा क्या हो जाएगा वहाँ? आखिर एक रोज उसने मुझसे एक ऐसा सवाल किया कि मुझे उसे सारी हकीकत पता नहीं है. उस दिन भी लोग बैसाखी मनाने के लिए इकट्ठा हो गए थे. कहीं पर लोग जश्न मना रहे थे तो कई लोगों की बैठक चल रही थी. चारों तरफ खुशियां खुशियां छाई हुई. Yeah.
एक तरफ लोग इकट्ठा होके भाई भाई का नारा लगा रहे थे। ओए किसी को अपना हौसला नहीं आ रहा है, वो अपनी मनमानी नहीं चलने दे रहा। और वही दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार का कमांडर इन चीफ जनरल डायर इतिहास के सबसे बड़े हत्याकांड को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इंसानियत का गला इतनी बेरहमी से घोटा गया था कि शैतान की तक रूह कांप गई होगी। जालियांवाला बाग आज उस घटना को 100 साल पूरे
मगर लगता है ये कल ही की बात है। लेकिन हालातों ने हमें आज फिर उसी कगार पे लाकर खड़ा कर दिया है। तब एक बाप ने अपनी बेटी को घर से बाहर जाने से रोका, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो उसे खो न दे। और आज भी एक बाप अपनी बेटी को घर से बाहर निकलने से रोकता है, क्योंकि उसे डर लगा रहता है कि उसका बलात्कार न हो जाए या कोई उसे ऐसे उसे जला दे। आजादी के लिए सूली पर चढ़ गए थे, जिससे आजादी पाने के लिए फांसी ले रहे हैं। खुली सी चोट लेकर, बड़ी सी टीस लेकर, आहिस्ता जालियांवाला बाग में लोगों ने रोवेलेंट एक्ट के बारे में सवाल उठाए तो उन्हें गोलियां मार दी गई। और आज भी देश भर में लोगों ने NRC और CRCE एक्ट के बारे में सवाल उठाए तो उन पर भी गोलियां और लाठियां बरसाई। देश तो आजाद हो गया, मगर देश के लोगों को कब मिलेगी आजादी? हम सही मायनों में तब आजाद होंगे जब हम अपने बीच ही मजहब की दीवार तोड़ देंगे, क्योंकि हमारे देश में जो हो रहा है उसे बदलना जरूरी है। और ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये नया भारत और हम इस नए भारत की नई आवाज।